अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? खैरियत से उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। गाइस आज के व्लॉग में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी साइट पे हूँ। यहाँ पे हमारे जो काम चल रहे हैं उसमें हमारा पेंट का काम है, उसके बाद हमारे जो मुस्तफ़ा भाई प्लम्बर हैं फिटिंग का काम है, उसके बाद हमारे साजिद भाई हैं उनका सीलिंग का काम है, स्टार भाई हैं उनका मार्बल का काम चल रहा है। फ़िलहाल काम तो उनका टाइल का भी पड़ा हुआ है लेकिन फ़िलहाल हमने मार्बल का शुरू किया हुआ था। और एक काम हमारा काफ़ी दिनों से रुका हुआ था जिसकी हमने कल मुकम्मल परचेजिंग कर ली हुई है, वो हमारी वॉशरूम फिटिंग है, बाथरूम फिटिंग है। तो आज इंशाल्लाह ये हमारे चारों वॉशरूम और दो किचन और इसकी प्लस इसके साथ जितनी भी एक्सेसरी वगैरह है वो सारी आज लग जाएगी इंशाल्लाह। और बाथरूम समझ लें कि एक घर हमारा बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा। ये छोटे छोटे काम थे जो इस चीज़ को अधूरा कर रहे थे। गैस यहाँ पे मैं जिस घर में खड़ा हूँ यहाँ पे हमारा सीलिंग का काम चल रहा है, तो साजिद भाई भी मेरे पास ही हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से? सुनाए साजिद भाई, कल कितना मुकम्मल करके गए थे? कल मुकम्मल हो चुका है, थोड़ी वाला ही साहब है। अच्छा, आपने वॉशरूम भी कर लिया, किचन भी कर लिया, तीन कमरे जो हमारे बनते हैं वो भी आपने कर लिए। ये हमारा एरिया रहेगा। तो गाइस यहाँ पे आके साजिद भाई मुझसे डिज़ाइन पूछ रहे थे, तो साजिद भाई से मैं कह रहा था कि यार जो अवेलेबल डिज़ाइन होता है इस एरिए के लिए, ये मैक्सिमम जो जगह है हमारी तकरीबन 4 फुट इतनी जी। हाँ जी, तो इसमें जो भी पॉसिबल अच्छा डिज़ाइन है वो आप बना दें, तो अब देखते हैं। और एक जगह डिज़ाइन हमने बनवाया था, वो मैंने इन्हें दिखाया है, बताया है, कोशिश करेंगे कि अच्छा काम हो, खूबसूरत काम हो। अच्छा साहिब भी, वो जिस डिज़ाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं जी, वो वाली जगह और ये वाली जगह इस यहाँ पर आप किस तरह करेंगे इसको मैनेज, किस तरह मैनेज करेंगे? ये आपके पास जगह इस तरह है जैसे सी लिखा हुआ होता है, ठीक है ना? आप इसको किस तरह करेंगे और जो हमारा डिज़ाइन हो वो भी मैच करता हो, अलग अलग ना हो? हाँ जी। और क्या कर रहे हैं लड़के आपके? अच्छा साहब, चलें साजिद भाई, आपको कहने की ज़रूरत नहीं, आप माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, अपने फ़र्ज़ शनास भी हैं। ये जितनी भी वेस्टिंग जी आप उठा दें इंशाल्लाह, मेहरबानी, आपने पूरा ऊपर वाला एरिया जो है खाली करके देना है, क्लीन एंड क्लियर करके देना है। और भी मेरे लायक खिदमत, ये इनका साइन है। अच्छा अब मैं पूछूंगा, और भी मेरे लायक खिदमत, ये ऐसे ही करते हैं हमेशा। चलें गैस चलते हैं साफ वाले घर में, यहाँ पे देखते हैं मुस्तफ़ा भाई की टीम आई। आज अर्ली मॉर्निंग मैंने अपना व्लॉग शुरू कर दिया, काफ़ी दिनों से इस तरह करते हैं कि जब काम हो रहा होता है फिर मैं शुरू करता हूँ, लेकिन आज अभी माशाल्लाह काम हमारा स्टार्ट हुआ है तो फिर मैंने भी अपना मोबाइल पकड़ लिया, मैंने कहा चलें यार आज अभी से शुरू करते हैं। रिजवान भी क्या कर रहे हैं, अभी तक काम नहीं शुरू किया? तो आपकी रेत भी नहीं आई? रेत आ गई आप? फ़ोन किया हुआ रेत को? रिजवान भाई स्टार भाई को करें कॉल। रिजवान भाई स्टार भाई को करें कॉल, रेत कोई नहीं आई हुई, रेत हमारी नहीं पड़ी हुई, किस तरह आप काम शुरू करेंगे? वालेकुम सलाम, किस तरह? मैंने कहा आप काम शुरू किस तरह करेंगे, रेत तो है नहीं आपके पास? अच्छा चले ठीक हो। हाँ उसने नहीं आया उसको? अच्छा चले आए ज़रा मुस्तो स्नैन, अंदर आए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हालत है तैयब भाई, आप खैरियत से? फन दिखाई जा रहे हैं आप अपना? अच्छा माशाल्लाह, ये कहाँ से सीखा था आपने?
काम कहाँ से सीखा था? काम उस्ताद से सीखा। अच्छा, ये आपके शागिर्द? हाँ, यानी आप उनके शागिर्द हैं? मैं उनके शागिर्द हूँ। अच्छा, असद भाई मेरा भी और दीवाल साहब का भी। अच्छा अच्छा, तो शुरू कर दिया आपने माशाल्लाह? हाँ जी, शुरू कर दिया। कुछ लगा दिया तो अटैचिंग लगा दी। वेरी गुड। कुछ आपकी वो फिलिंग वगैरह ये मरम्मतें वगैरह लगने वाली थी वो लगा दी है, देखें दिखाएं। ये लगाई। अच्छा गाइस, ये जो आपको स्पॉट नज़र आ रहे हैं ये कुछ ना कुछ फॉल्ट होता है, मतलब कोई स्पॉट, मतलब मिसाल के तौर पर कोई चीज़ प्लस्तर इक्वल नहीं होता यहाँ पर, या कुछ ना कुछ होता है, फिर उसको हम इस तरह प्रिपेयर करते हैं दोबारा कलर के लिए। तो ये इन्होंने कल भी मुझे दिखाया था ये चीज़। अच्छा, और भी उधर भी निकली है मरम्मतें कोई? हाँ जी, उधर भी उस तरफ। अच्छा, इधर ये वाली है, ठीक। चलें यार, आज उम्मीद बहुत है अल्लाह के घर, इंशाल्लाह हमारा ऊपर वाला मुकम्मल हो जाएगा। ऐसे ही है तो ये भाई, चले देखते हैं माशाल्लाह। हमारे गाइस एक ब्लॉग देखते हैं, हमारे जो भाई हैं उनका नाम है मुख्तार, इस तरह करके उनका आईडी है। तो वो मुझे अक्सर ये कहते हैं कि आप प्राइस मेंशन नहीं करते, तो मैं अपने जो हमारा हमारे प्यारे भाई हैं जो हमारे वीडियोस को डेली वॉच करते हैं, मैंने उनको पहले भी गुजारिश की थी कि ये मेरा व्लॉगिंग चैनल इसलिए है कि हम अपना काम जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, हमारी जो सुपरविज़न है जहाँ से हो रही है हम उनको भी दिखाते हैं। तो हमारी जो यूट्यूब फैमिली बनी हुई है यहाँ पे हम अपने जो रेट्स हैं या जो भी हमारी चीज़ें हैं वो हम शेयर नहीं कर सकते, ये कुछ चीज़ें बिज़नेस सीक्रेट होते हैं मेरे भाई। आपको अगर कुछ भी पूछना हो, किसी किस्म का भी पूछना हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लें, मुझे कॉल कर लें, आप मुझे एक दफ़ा बोलिए, मैं आपको अपना नंबर दे दूँगा। आप जितनी भी रहनुमाई चाहिए होगी इंशाल्लाह हम आपको एज अ ब्रदर हर चीज़ आपको बताएँगे, फ्रॉम द बुनियाद से लेके ऊपर तक जो कुछ भी हुआ है, ताकि ये तो कोई इतना मसला नहीं, लेकिन कुछ बिज़नेस सीक्रेट होते हैं जो हम मैं यहाँ पे ज़ाहिर नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमने घर अच्छे बनाए हैं, बहुत ही अच्छे और आला क्वालिटी में बनाए हैं। तो अब उसका भी कोई तरीका है बनाने का, मतलब किस तरह काम करवाते हैं किस तरह नहीं करवाते, या तो बिल्कुल मेरा ब्लॉगिंग वाला चैनल हो, मतलब ये कारोबार मेरा ना हो, मेरे कहने का मकसद ये है कि कारोबार मेरा ना हो, मेरा जस्ट ब्लॉगिंग चैनल हो, फिर मैं आपको प्राइस वगैरह ये वो हर चीज़ बताया करूँ, ये दरवाज़ा कितने का है ये। अब आप समझ गए होंगे मुख्तार भाई, तो मेरे भाई आपको कोई भी ज़रूरत हो आप मुझे लाजमी बताइए कमेंट में, तो मैं आपको का अपना नंबर दूँगा, तो आप मुझसे तफसील से जो मर्ज़ी पूछ सकते हैं। तो ये भाई ज़रा इधर आए, एक चीज़ दिखानी है अपने दोस्तों को, अपने कर्म फरमाओं को, कि गाइस आप जब भी पेंट कोई भी इस्तेमाल करते हैं आप अच्छी कंपनी का पेंट इस्तेमाल करें, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि आपकी कॉस्ट जो है वो बेशक बढ़ेगी, लेकिन वो आपको एवरेज इतनी ज़्यादा दे देगा कि फिर आपको कॉस्ट याद भी नहीं रहनी। तो तैयब भाई जो एक्सपर्ट हैं मेरे साथ खड़े हैं, तैयब भाई आप एक काम करें जो मैं रोज़ाना करता हूँ चेक करने के लिए, आप इस दीवार के ऊपर अपना हाथ मारें। आपका नहीं, आपका हाथ साफ़ ही नहीं है, मैं करता हूँ। ये गाइस मेरा हाथ साफ़ है इस वक्त। बहुत सारे जो पेंट होते हैं जो हम अपने घरों में करवाते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, रिमूवेबल होते हैं, मतलब आपने जिस तरह जैसे ही इस तरह किया ये चीज़ की तो हाथ वापस लेके आए तो आपका हाथ वाइट हो जाएगा। तो ये चीज़ इसमें नहीं है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात, कैफ हालक या दोस्तार, इश अखबारक। तो हम बात कर रहे थे सार भी कलर की क्वालिटी की, क्या आप अगर चीप कलर इस्तेमाल करेंगे, आप कम खर्चा करेंगे, तो फिर आप तैयार रहिएगा, आपके कपड़े आपके हाथ कोई चीज़ भी महफूज सलामत नहीं रहेगी। ठीक है सार भी,
तो बस मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है माशाल्लाह ये देख के। ये अल्लाह ताला ने ही हमें अकल दी है, शऊर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी क्रेडिट वल्लाहि मैं ख़ुद नहीं लेता, मैं कहता हूँ कि इंसान की इतनी भी हैसियत या औकात नहीं कि अपनी नाक से मक्खी उठा। ठीक है, तो अल्लाह ताला ही आपको समझ बूझ देते हैं। तो बाद में मैं फिर कोई इस तरह का काम हो जाए मैं खुश बहुत हो जाता हूँ कि यार अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये थोड़ा सा फैसला अच्छा हो गया पेंट में। सर भी आप सुनाएं कैसे हैं, राजी हैं सर? और क्या हो रहा है? बस ये आए काम। अच्छा चलिए ठीक है सर, भी चलते हैं हम अपने काम पे। तो आज उम्मीद है कि आप हमें वो फ्लोर है जो गैराज वाला वो मुकम्मल करके दे देंगे आप, और उसके बाद फिर हमारा शुरू हो जाएगा किचन के कि जो कल से इंशाल्लाह। तो सर भी आप थोड़ी सी गुजारिश है आपसे, हमारे भाई हैं जहाँ पे ये काम कर रहे हैं बाहर या अंदर, जहाँ पे वेदर शील्ड भी लगना है सर भी, जहाँ जो भी मरम्मत है ना मेरे भाई आप वो पूरी कर दें, ना करेंगे तो फिर हमारा पेंट वगैरह फूलेगा सर भी, ख़राब हो जाएगा। बाहर दो वो जो निकाली थी। अच्छा अच्छा चले ठीक है सर। हाँ जी सार भाई, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है सर? अल्लाह का लाख लाख शुक्र, सेहत भी ठीक है सर? आप सुनाए सब खैरियत से? जी अल्लाह। अच्छा तो कितना काम आपका मुकम्मल हो चुका है? सर काम हमने वो कल फैंड्री का सामान लेके आए टूटियाँ वगैरह। अच्छा वो तकरीबन जी हमारा एक बेसन लग गया। अच्छा तो आपने वो जो मार्बल वगैरह लगाया पहले वो देख लें? हाँ जी। गैस ये हमारा रैंप है, रैंप में हमने स्टेयर्स जिसको सीढ़ी कहते हैं स्टेप वो वाले रखे हैं ताकि ऊपर आने जाने में आसानी हो, वो कल बनाएंगे। उसके बाद ये हमारा गैराज है, गैराज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो चुका है, इसकी फिनिशिंग बाकी है। ठीक है सर भाई चलें जी। आज फिर चलें साजिद वाजिद, कहाँ तक पहुँचा काम आपका? इंशाल्लाह कंप्लीट हो गया। कितना कंप्लीट हो गया? ये आपका साइन, ये आपका साइन है, ये धोखा है। सारी लाइट्स ऑन करें। गजिए हमारा वॉशरूम ग्राउंड फ्लोर पे जो आपके सामने आप देख सकते हैं। गज ये इसकी कुछ सफाई सुथराई बाकी रहती है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे जितना भी काम है हमारा मुकम्मल हो चुका है। किचन में ये हमारा मिक्सर है, ये भी लग गया। इसकी जो बिल्कुल सही तरह से मैं आपको उस वक्त दिखाऊंगा जब ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन सफाई सुथराई हो चुकी हो। ये ऊपर चलें सर भाई, गैस यहाँ पे हमारा काम ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई काम बाकी बचा हो। यहाँ पे क्लीनिंग भी हो चुकी है, इसका पेंट भी मुकम्मल हो चुका है आपके सामने। उसके बाद ये हमारा वॉशरूम है, ये भी हमारा मुकम्मल है, इसमें हमारा कोड यार वो सर्विस टिक तो था। गैस ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है, ये शावर है वो हैंगर है टॉवल के लिए, और इस वॉशरूम में हमारा कमोड है। उसके बाद आगे जाएंगे, ये हमारे एक टीवी लॉन, उसके बाद हमारा बेडरूम मास्टर बेडरूम
ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। सर भी इसकी भी लाइट्स ऑन करें ज़रा। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ कोई काम नहीं बाकी बचा हुआ। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो वॉशरूम है वो भी आपको दिखा देते हैं। वॉशरूम का जो पेंट है वो मुकम्मल हो चुका है, इसकी फिटिंग मुकम्मल हो चुकी है। ये टॉवल के लिए होता है। उसके बाद तो ये एक्सेसरी जो है आपके सामने ये भी लग चुकी है। हैंगर कितना लगाया सारे? अच्छा हैंगर ये लगाया, ठीक हो गया। सारे इसके अलावा कोई और काम है बाकी? अच्छा ये जो मैं आपको वॉशरूम दिखा रहा था गाइस, इसके साथ जो अटैच रूम है हमारा ये भी सारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे कोई काम नहीं बाकी बचा हुआ, क्लीनिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है। कल से इंशाल्लाह हम जो स्टेन है हमारे डोर्स की वो शुरू कर रहे हैं। गाइस किचन की यहाँ पे क्लीनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और ये हमारा मिक्सर वगैरह भी लग गया है। अब थोड़ी सी जनरल ओवरऑल जो सफाई है, ये हम स्टिकर है, ये स्टिकर उतार देंगे जब ये बिल्कुल फिनिशिंग होगी, ये उतार देंगे। एलुमिनियम के ऊपर थोड़ी सफाई होने वाली है, वो लड़के हमें करके देंगे। मैंने इनको बता दिया था कि आप हमारे जो रज़ाक भाई हैं कि आप हमें जहाँ से भी गुजरेंगे सफाई करके देंगे। सार भाई क्या ख्याल है? क्या ख्याल है काम? हाँ जी काम माशाल्लाह बेस्ट करने वालों में। आपको पसंद आया काम साहब? बहुत जबरदस्त लगा है, बहुत प्यारा लगा। आज छोटे भाई भी आए हैं अली साहब। हाँ जी उन्होंने काफ़ी हमारे साथ डिस्कस की है। अच्छा क्या कहते हैं? हाँ जी बहुत बहुत चले, थैंक यू। फिनिशिंग जो है बड़ा जबरदस्त, इन्होंने तो इस तरह बोलती है कि ये चले। वो हर हर अच्छी चीज़ के ऊपर इंसान जो है ना वो ख्वाहिश रखता है कि अल्लाह ताला हम जो है वो मुझे भी दे दे। अल्लाह ताला से आप मांग सकते हैं, मांगने में तो कोई वो नहीं है। ठीक है सार भी, आज का व्लॉग यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे। तो इंशाल्लाह कल ये सारा काम नीचे वाले पोर्शन में चला जाएगा। कुछ सफाई हमारी होने वाली है जो वाशरूम है सार भी, वो हम साफ़ पता किस तरह करेंगे? वो क्या होता है यार जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं वॉशरूम के लिए, हार्पिक लेके आएंगे, उसके साथ इसकी क्लीनिंग करवाएंगे वॉशरूम, ताकि वॉशरूम जो है ना वो जगमग करें, ब्राइट नज़र आए। ये वाला काम खत्म हो जाएगा, ये भी बाकी है। हाँ जी उनको ऊपर से वो खत्म कर ले, उसके बाद ये सारा खत्म कर दे। अच्छा अच्छा ठीक है। तो अभी यानी आप चाहते हैं कि एक दफ़ा ये निकल जाएँ फिर क्लीनिंग करेंगे? बार बार सफाई करने से देखो कोई भी अंदर जाएगा। मैं अभी किया ये जूठा उतारना, देखो सार भी हम एक काम करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, इंशाल्लाह करेंगे हम 4-5 या 6 चप्पलें जी, ये जो रफ़ जूती होती है ये हम लेके आएंगे हर विज़िट के लिए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आना है, हम हर दफ़ा सफाई नहीं कर सकते सार भाई। जो भी लोग आएंगे वो अपनी चप्पलें बाहर उतारेंगे, जो हमारे घर की चप्पलें हैं वो पहन के अंदर विज़िट करके निकलें। हम हर दफ़ा सफाई नहीं करवा सकते, हर रोज़ नहीं करवा सकते। हाँ जी हाँ जी करनी है ये, और उसके लिए ये एक ही मैट ला के यहाँ पे रखा हो। हाँ मैट भी ला के रखेंगे यहाँ पे भी, मैट यहाँ पे भी रखेंगे, मैट बाहर भी रखेंगे, जहाँ पे भी बनता है हम अपने मैट वगैरह रखेंगे, तो ताकि क्लीनिंग का जो मामला है ना वो जी। हाँ जी पहले हम दो दफ़ा करवा चुके जी, दो दफ़ा करवा चुके साहब। चलिए इस बार तो मैंने इनके साथ कमिटमेंट कर ली थी, मैंने कहा जी आपने जितना गंदा करना है उतना साफ भी करना है। जी सही है सर भी, आज के ब्लॉग में हम इजाज़त लेंगे। कोई पैगाम देना चाहें आप कौम को? बस सलाम, बस बस की दुआ करें कौम नो, कौम नो सारी समझाने। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़।